पेज नंबर टू सेकंड पैराग्राफ। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज को जनरली तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर द्वारा प्राप्त होते हैं और हम उन्हें बिना कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए, बिना कुछ ज़्यादा चेंज किए हुए यूज़ करते हैं, वो सारे रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? सो द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, the soils, minerals, all are the natural resources and many of these resources are free gift of nature. और इनमें से जो ज़्यादातर resources है nature की free gift है and can be used directly, और उसे हम directly use कर सकते हैं। लेकिन कुछ cases में tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन्हें यूज़ करने के लिए हमें टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, जैसे कि मिनरल्स। मिनरल्स को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसे यूज़ करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी एंड टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब हमने नेचुरल रिसोर्सेज को भी मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। So, what are the renewable resources? Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Renewable resources वो सारे resources होते हैं जो बहुत जल्दी renew हो जाते हैं, अपने आप वापस create हो जाते हैं और replenish हो जाते हैं, वापस fill up हो जाते हैं। और some of these resources are unlimited and are not affected by human activities. एंड इनमें से कुछ resources ऐसे होते हैं जो कि unlimited होते हैं और इनमें human activities का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, human उसे कितना भी use कर ले वो वापस fill up हो जाते हैं, जैसे कि solar energy है and wind energy है। But कुछ रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते हैं, अगर आप उसका केयरलेसली यूज़ करेंगे तो वो रिसोर्सेज बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, जैसे कि वाटर है, सोइल है, फॉरेस्ट है। और यहाँ एक और एग्जांपल दिया है कि वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, बट आज वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ में वाटर रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो रही है, उसकी कमी हो रही है और वाटर रिसोर्सेज ड्राई अप हो रहे हैं, सूख रहे हैं। तो इट इज़ नेसेसरी टू अस कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सेंसिबली यूज़ करना चाहिए। ना सेकेंड टाइप, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक एंड वंस द स्टॉक आर एग्जिस्टेड इट में टेक 1000 years to be renewed or replenished. तो हमने भी पढ़ा था कि renewable resources वो resources होते हैं जो वापस create किए जा सकते हैं, लेकिन non-renewable resources वो सारे resources हैं जिसका limited stock होता है और अगर वो एक बार ख़त्म हो जाएंगे, exhausted हो जाएंगे, तो उसे 1000 years लगेंगे वापस उसको renew करने के लिए। ओके, तो ये जो period है, हजारों साल का जो पीरियड है, ये किसी भी ह्यूमन लाइफ के पीरियड से बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इन सब रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। एंड देन व्हाट आर द एग्जांपल? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। किसी कंट्रीज़ के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, किसी कंट्रीज़ में बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स पर, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, हाइट। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। इन सब पे डिपेंड करता है कि कौन से पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर टेरिटरी पे कौन से नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। तो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है बिकॉज
अर्थ में ये जो सारे फैक्टर्स है, टेरेंट, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, वो पूरे अर्थ में अलग अलग है ना, डिफरेंट है। सो सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सो समटाइम्स जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट या नेचुरल सब्सटेंस होता है, उस वो रिसोर्स तभी बनता है जब उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको चेंज किया जाता है। ओके, तो ये क्या कह रहा है, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। जैसे कि आयरन ओर वॉज नॉट ए रिसोर्स, आयरन ओर जब तक रिसोर्स नहीं था, जब तक पीपल ने उससे आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीख लिया था। ओके, तो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि ह्यूमन ने जो भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है उससे अदर रिसोर्सेज वो बना रहा है, तो वो सारे कौन से रिसोर्सेज हुए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और हम अभी पढ़कर आए हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस जब रिसोर्स बनता है जब हम उसको कुछ यूज़ करते हैं। तो जस्ट लाइक बिल्डिंग्स बनाने में हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज लगते हैं, जैसे कि हमें स्टोन लगता है, हमें आयरन लगता है, हमें वुड लगता है बिल्डिंग्स बनाने में। तो इन सब रिसोर्सेज का यूज़ किया है ह्यूमन ने और उससे एक न्यू रिसोर्स बनाया है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग इज ऑल्सो ए रिसोर्स, बट विच टाइप ऑफ रिसोर्स, दिस इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके, हियर इज थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। पीपल नेचर का बेस्ट यूज करके मोर रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता है जब उनके पास नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी होगी ऐसा करने के लिए। ओके, कहने का मतलब है ह्यूमन अपने नॉलेज को, अपने स्किल को और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और भी बहुत सारे रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स, इसी वजह से ह्यूमन बींग्स भी एक बहुत स्पेशल रिसोर्स है। और पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। और एजुकेशन और हेल्थ हेल्प करती है पीपल को एक बहुत ही वैल्यूबल रिसोर्स बनने के लिए, एंड पीपल की स्किल्स को इम्प्रूव करके वो और भी बहुत सारी रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, इसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। सो वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द रिसोर्सेज, what are the resources, what are the main types of resources, there are three types of resources, natural resources, human made resources and human resources। हमने एक एक करके तीनों resources को understand करने की कोशिश की। now here is your new topic, conserving resources। first यहाँ पे story दी हुई है, let's read the story। Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat and drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. Mona ko ek bura sapna aaya tha. Nightmare means बुरा सपना। She dreamed, उसने सपने में देखा कि जो भी water available है अर्थ में वो सब कुछ dry up हो गया है, सूख गया है, और जितने भी trees थे वो सारे cut down कर दिए गए हैं। और there was no shade, कहीं पे बिल्कुल भी छाया नहीं है, और nothing to eat or drink, खाने और पीने की भी कोई चीज़ available नहीं है। And people are suffering, पीपल सफ़र कर रहे हैं, और रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, फूड और शेड की तलाश में पीपल इधर से उधर रोमिंग कर रहे हैं। ये जो बुरा सपना था उसने अपनी मदर को बताया और उनसे पूछा, अम्मा कैन दिस रियली हैपन, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो अम्मा ने कहा, यस ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और ये सब कब होगा, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द non-renewable ones can definitely get exhausted। अम्मा ने कहा कि अगर हम renewable resources का
केयरफुल यूज़ नहीं करेंगे तो ये बहुत स्कार हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे और रिन्यूएबल रिसोर्सेज डेफिनेटली एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो राजू पूछता है, नाउ व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, तो हम क्या कर सकते हैं? तो अम्मा कहती है, लॉर्ड्स, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हेयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और उसे टाइम देना रिन्यू करने के लिए, वो रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। इन प्रेजेंट टाइम बहुत सारी कंट्रीज अपने डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज को बहुत ही केयरलेसली यूज़ कर रही है और इस वजह से जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्टेड हो रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए वो अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगे। तो हमें इन सारे रिसोर्सेज को बहुत ही बैलेंस तरीके से यूज़ करना होगा और साथ ही में उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व करना होगा। और ये सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है कि एक कंट्री डेवलपमेंट तो करे और लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें कि वो आज की ज़रूरतों को भी पूरा करें और साथ ही में जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज को अवेलेबल रखें, उसको बचा के रखें। सो हेयर इज़ द डेफिनेशन, बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज की ज़रूरतों को पूरा करना, उसको बैलेंस करके रखना और ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर और उसको फ्यूचर के लिए भी कंजर्व करके रखना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। एंड देर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, और बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। और ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट, और हर पर्सन इसमें कॉन्ट्रीब्यूट दे सकता है, और वो दे सकता है रिड्यूस कंजप्शन। जो भी कंजप्शन आप कर रहे हो, जो भी उपभोग कर रहे हो, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो, और आप जो भी रिसोर्सेज है उसको रिसाइकल कर सकते हो, ओके, और उसको रीयूज़ कर सकते हो चीज़ों को। ऐसा आप ऐसा करके हर पर्सन कुछ ना कुछ डिफरेंस ला सकता है, क्योंकि हम सबकी लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. उस शाम को children, रोमना and राजू और उनके जो friends हैं, packets बनाते हैं, shopping bags बनाते हैं out of old newspaper, discarded clothes and basket. और बास्केट बनाते हैं फ्रॉम बेम्बू स्टिक्स से। तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं, जो भी उनके पास रिसोर्स अवेलेबल है, पुराने न्यूज़पेपर या फिर जो उनके ख़राब कपड़े हैं या जो भी बेम्बू स्टिक्स उनके पास अवेलेबल है, वो इससे दूसरा रिसोर्स बना रहे हैं, उसको रीयूज़ कर रहे हैं, ओके। और मोना कह रही है कि वी विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, और मोना कह रही है कि इनमें से कुछ हम जितनी भी फैमिली हम जानते हैं उन्हें हम दे देंगे। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर ए गुड कोज। और फिर यहाँ पे मुस्तफ़ा कहता है कि हम ऐसा करेंगे क्योंकि ये हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आफ्टर ऑल हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम हमारे रिसोर्सेज को सेव कर रहे हैं और हमारे अर्थ को अलाइव रख रहे हैं। और फिर जैसी यहाँ पे कहती है कि आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर एंड मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन। वो कहती है कि बहुत सारे ट्रीज को कट डाउन करते हैं पेपर बनाने के लिए, तो अब से मैं बहुत केयरफुल रहूँगी और मैं वेस्ट पेपर को वेस्ट नहीं करूँगी। एंड यहाँ पे मुस्तफ़ा कहता है, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। मुस्तफ़ा चिल्ला के कहता है कि मैं ये श्योर करूँगा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। आफ्टर ऑल इलेक्ट्रिसिटी भी कहाँ से आती है, वाटर और कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस। आशा कहती है कि मैं ये श्योर करूँगी कि मेरे घर में वाटर वेस्ट ना हो और हर ड्रॉप जो है वाटर का वो बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है। और सारे बच्चे कहते हैं कि टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, हम साथ मिलकर एक डिफरेंस ला सकते हैं। और दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मोना राजू और उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं। व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, आप क्या हेल्प करने वाले हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। सो देर आर सो मैनी वेज टू कंजर्व आवर प्लानट, और हमारे प्लैनेट का और हमारा फ्यूचर
डिपेंड करता है कि हमारे हमें जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया है नेचर ने, हम उसे कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे हम प्रिजर्व करते हैं। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ये इंश्योर करें कि जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मींस अभी प्रेजेंट में भी उसका यूज़ हो हमारे नीड्स की, हमारे नीड्स को वो पूरा करे और साथ ही फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो, और हमारे अर्थ में जो भी डाइवर्सिटी है लाइफ की उसको हम कंजर्व करके रखें, हम उसको सेव करके रखें, और नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम का जो भी डैमेज हुआ है हम उसको मिनिमाइज करें। सो हेयर इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर, और आई होप आप सबको चैप्टर समझ में आया है। कल हम सब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन आंसर्स को एक बार देखें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।